सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, आपके नोट सेम लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट सेवन ऑन सेवन अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन फोर। ये नंबर है, इस नंबर में से हमें माइनस करना है थ्री अपॉन फोर को। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सॉल्यूशन में एज इट इज लिखते हैं सेवन होल सेवन अपॉन एट माइनस थ्री अपॉन फोर। अब हम इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन को। एट सेवन का 56, ठीक है, 56 और सेवन 63 अपॉन एट और माइनस थ्री अपॉन फोर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हम बजाय इसके जो हमारा तरीक़ाकार है उनको हम अडॉप्ट करें, हम यहाँ पर चूंकि सिंपल से नंबर है इसलिए इसमें एलसीएम हमारा देखें, एट अगर हम लेते हैं एलसीएम तो एट एट को डिवाइड कर सकता है मुकम्मल, और ये फोर भी इस एट को अगर एलसीएम लेते हैं तो डिवाइड कर सकता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर हो, मुश्किल आपको लग रही हो, तो फिर जो तरीक़ेकार मैंने आपको प्रीवियस एडिशन में समझाया है उस तरीके से आप जो छोटी क्लास में आप सीख से रहे हैं उस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर वाई भी एलसीएम आ जाता है आपका। फिर एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस एट से इस एट को डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आंसर आएगा हमारे पास एट वन का एट वन आंसर आता है। वन से हम इस 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का साइन, जो भी साइन है माइनस है या प्लस कर रहे हैं तो प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस, लेकिन क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात है तो माइनस ही लिखेंगे। ये फोर इस एट को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा हमारे पास टू, क्योंकि फोर टू का एट। अब इस टू से हम क्या करेंगे, इस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जा सिक्स, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब ये बिल्कुल सिंपल है कि हम क्या करें, 63 में से हम 6 को डिवाइड माइनस कर ले, जब 6 माइनस होगा तो 63 में 6 चला जाएगा, तो ये हमारे पास बाकी बचेगा 57। तो 57 अपॉन 8, लेकिन चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के फ्रैक्शन का जो आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना होता है, या इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस जो है इसमें होल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, और रफ वर्क में हम ये करते हैं कि 57 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो 8 7 का 56, 7 में से हम जब 6 को माइनस करेंगे 1 बाकी बचेगा। अब इसका तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, और जो हमारा आंसर या कोशेंट होता है वो हमारे पास होल नंबर में आ जाता है। और इसको मैंने तरीका का आपको समझाया भी है कि चेंज करने का, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, 8 7 56 और 7 इसको हमने 8 किया था, इसी तरह से यहाँ पर अगर करेंगे तो वापस वही 8 7 56 और 157, तो यही आ रहा है, ठीक है, और डिनोमीटर 8 है, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनता है वो आंसर हो जाएगा हमारा 7 होल 1 अपॉन 8, दिस विल बी आवर